श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजातलाव वाराणसी। आज मैं कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान शुरू करने जा रही हूँ। पहला चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है और दूसरा चैप्टर आज हम शुरू करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है और दूसरा चैप्टर है हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है कि संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण आदि सभी तत्व इसमें सम्मिलित रहते हैं। वही क्या है हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार में आपको दो भागों में बांटा गया है, पहला है पर्याप्त आहार और दूसरा है अपर्याप्त आहार। पर्याप्त आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे कि एक धनी वर्ग के व्यक्ति को यह पता है कि वह भोजन ग्रहण करने जा रहा है तो उसमें कौन कौन से भोजन में सभी पोषक तत्व सम्मिलित होता है। जैसे उसको पता है कि हमको प्रोटीन दाल में पाया जाता है और विटामिन हरी साग सब्जियों में, ये सारे तत्व उसमें सम्मिलित रहते हैं। और अपर्याप्त आहार वह आहार होता है जिसमें हमें संपूर्ण पूरा पोषक तत्व प्राप्त नहीं मिल पाता है और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी नहीं होता है। जैसे कि एक गरीब व्यक्ति क्या करता है कि उसको यह पता होता है कि वह जो भी भोजन ग्रहण कर रहा है केवल उसको अपने पेट भरने से मतलब रहता है और उसको यह नहीं पता होता है कि कौन से भोजन में उसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और जिससे कि उसके स्वास्थ्य को भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक गरीब मजदूर व्यक्ति यह कहता है कि केवल वह कमाने के बाद अपने दो वक्त की रोटी और वह अपना पेट भरपूर कर सकता है और वह अपने उसको यह नहीं पता रहता है कि कौन से भोजन में उसको प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो यह आज हम प्रस्तावना में शुरू करने जा रहे हैं कि प्रस्तावना क्या है कि भूख लगने पर शरीर अपनी भोजन संबंधी आवश्यकता को व्यक्त करता है। भोजन द्वारा हम शरीर की इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे शरीर को क्रियाशील रखने के भोजन अत्यंत आवश्यक है, किंतु भोजन का उद्देश्य मानव शरीर की भूख शांत करना नहीं है। वास्तव में भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर की के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करना है। यह आप लोगों को पता है कि जैसे कि हमने बताया है कि संतुलित आहार वह आहार होता है कि जिसमें हमें भोजन द्वारा हमारे शरीर को क्या होती है सुरक्षा, मतलब कि सुरक्षा प्रदान होती है, वह कार्य करने की उसमें जो क्षमता होती है वह पूरी तरह भरपूर मात्रा में मिल जाती है। जैसे कि अगर हम लोग कोई कार्य करने जाते हैं, अगर करते करते थक जाते हैं तो अगर हमको पूरी तरह पूरा संतुलित आहार यानी पूरा पोषण आहार हमको नहीं मिल पाता है तो हमारा शरीर कार्य करने के योग्य नहीं रह जाता है। फिर उसमें है कि संतुलित भोजन का अर्थ। संतुलित भोजन का अर्थ क्या होता है कि वह भोजन जो हमारे जो शरीर को ऊर्जा निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करे संतुलित भोजन कहलाता है। जैसे कि हम मतलब भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिल रही है और उससे हमारे शरीर की निर्माण भी हो रही है और उससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी उचित मात्रा में हो रही है। तो संतुलित एवं पर्याप्त भोजन, संतुलित एवं पर्याप्त भोजन क्या होता है कि अभी आप लोगों को हम बता दिए हैं कि पर्याप्त और अपर्याप्त भोजन। संतुलित भोजन को निम्न तत्वों द्वारा प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि आयु के अनुसार व्यक्ति, जैसे कि पता है कि एक छोटे बच्चे को आयु के अनुसार, जैसे 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को और 6 से 9 वर्ष तक बच्चे को कैसा भोजन दिया जाना चाहिए उसकी आयु पर निर्भर करता है। लिंग के अनुसार, लिंग जैसे एक स्त्री और पुरुष को किस तरीके से मतलब कि कैसा भोजन देना चाहिए, दोनों में के भोजन में अंतर होता है। स्त्रियों का भोजन कम होता है और वह उनको अधिक परिश्रम नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह भोजन को कम ग्रहण करती हैं। फिर है परिश्रम। अगर एक मजदूर मतलब एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति का भोजन हम कितना उसको देते हैं, कितना कैलोरी दे सकते हैं, तो उसमें हम
तीन मतलब 3900 से 4000 कैलोरी तक उनको हम भोजन को देते हैं, ताकि जो वह कठिन परिश्रम करते हैं तो वह भोजन के द्वारा पूर्ति उसे मिल जाए। लेकिन भोजन हम लोग उसे देंगे कैसे? जैसे कि हमने बताया है कि एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति का भोजन, वह पूरा उसमें विटामिन, खनिज, लवण, वसा, कैल्शियम इस आदि तत्व तो उसमें क्या हो, सम्मिलित हो। मौसम व जलवायु, अगला आएंगे मौसम व जलवायु। मौसम व जलवायु का मतलब क्या होता है कि मौसम व जलवायु, जैसे कि व्यक्ति के मौसम के अनुसार, जैसे हम लोग गर्मी ठंडी में क्या करते हैं, गर्म चीज़ें ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है वही चीज़। फिर इसके बाद हम लोग गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, थोड़ा ठंडे चीज़ों का उपयोग करते हैं। फिर है स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य जैसे कि है स्वास्थ्य में हमने आपको बताया है कि एक रोगी व्यक्ति का, जैसे कि अगर रोगी व्यक्ति है तो उसको किस तरीके से भोजन को, एक स्वस्थ व्यक्ति और एक रोगी व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए, यह सारी चीज़ें एक जो गृहिणी होती है उस पर निर्भर करता है। और उसको यह पता होना चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए और एक रोगी व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए। रोगी व्यक्ति का भोजन तरल व अर्ध तरल पदार्थ से युक्त बने होने चाहिए, वह उनको ज़्यादा गरिष्ठ भोजन या ज़्यादा तैली युक्त भोजन को नहीं देना चाहिए। फिर है विशेष अवस्थाएं, विशेष अवस्थाएं में मतलब आपके आ जाएंगे कि जैसे कि उसमें आपको अस्पताल से रोगी व्यक्ति, ऑपरेशन, फिर एक गर्भ स्तनपान कराने वाली महिला, फिर गर्भावस्था, फिर ये सारी चीज़ें जो मतलब कि विशेष अवस्थाएं में, मतलब जैसे एक गर्भावस्था में जैसे एक गर्भवती स्त्री को भोजन क्या कैसा होना चाहिए, जैसे कि उसका भोजन पूरा पोषक, मतलब उसमें सभी पोषक तत्व तो सम्मिलित हों। जैसे एक ऑपरेशन कराया हुआ व्यक्ति, उनका भी भोजन हल्का होना चाहिए, एकदम तरल पदार्थ युक्त होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अभी आप लोगों को बताएं कि संतुलित एवं पर्याप्त भोजन मतलब किस आयु को कैसे किस तरीके से भोजन को देना चाहिए। फिर है विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार, ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की अवस्था अलग अलग होती है तो उनकी भोजन की भी जो समय सारणी होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि इसमें देखा विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार, प्रत्येक प्राणियों के संतुलित भोजन में अंतर होता है कि जो कि उनके लिंग अवस्था व श्रम आदि पर निर्भर करती है। भिन्न भिन्न अवस्था में व्यक्तियों के लिए संतुलित भोजन के भोज्य पदार्थों की कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, यह हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हमको जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, एक वृद्ध व्यक्ति है तो उनका भोजन कैसा होना चाहिए, और एक रोगी व्यक्ति है तो उनका भोजन कैसा होना चाहिए, एक छोटे बच्चे हैं यानी कि 1 से 3 वर्ष के, 2 से 2.5 वर्ष जो भी हैं उनको भी कैसा भोजन देना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार है कि भोजन हमको ऐसा देना चाहिए कि उनमें सभी तत्व सम्मिलित हो और वह मतलब कि क्या हो, उनको पूरा पोषक तत्व मिले, जो भोजन वह ग्रहण कर रहे हैं तो उनको सारे पोषक तत्व उसमें मिल जाए। फिर है अगला स्कूली बच्चों के लिए संतुलित आहार, स्कूली बच्चे जैसे 7 से 9 वर्ष तक के बच्चे को और 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों को, यानी कि एक जो विद्यालय जाने वाले बच्चे होते हैं उनको भी कैसा भोजन देना चाहिए। जैसे कि भोज्य पदार्थ हो गया, फिर मतलब भोज्य पदार्थ में आपके अनाज, दालें, हरी सब्जी, अन्य सब्जी, फल, दूध, घी, मांस, मछली, अंडा, शक्कर, गुड़, मूंगफली, चना, ये सब सारी चीज़ें आपके किस में आ जाएंगे, अनाज में, सॉरी भोज्य पदार्थ में, जो भोज्य पदार्थ मतलब जो खाने वाली चीज़ें हैं। जैसे 7 से 9 वर्ष तक के बच्चे आयु के स्कूली बच्चों के लिए उनका भोजन कैसा होना चाहिए, तो जैसे अनाज में यानी वो शाकाहारी है, अगर मान लीजिए वो शाकाहारी है तो उसको अनाज में 200 से 250 ग्राम देना चाहिए। फिर इसके बाद दाल में कितना देना चाहिए, 40 से 70 ग्राम। फिर इसके बाद हरी सब्जी 75 ग्राम, अन्य सब्जी 50 ग्राम, यानी कि मतलब कि वह जो शाकाहारी भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसकी मात्रा कितनी कितनी उसको देनी चाहिए। सेम वही चीज़ है मांसाहारी की, मांसाहारी में बच्चे को कितना भोजन किस तरीके से देना चाहिए। जैसे एक मांसाहारी में
अगर मान लीजिए छोटे बच्चों को 7 से 9 वर्ष तक के बच्चों को इसमें जो आप शाकाहारी में हैं उनको मांस मछली अंडा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मांसाहारी में उनको 60 से 90 ग्राम मांसाहारी भोजन को हम दे रहे हैं। और फिर इसके बाद 10 से 12 वर्ष तक के सेम वही चीज़ है कि 10 से 12 वर्ष तक के बच्चे को शाकाहारी का भोजन कितना होना चाहिए और मांसाहारी भोजन में कितना चाहिए। जैसे 10 से 12 वर्ष तक के बच्चे को अगर मान लीजिए हम लोग मांसाहारी नहीं दे रहे हैं तो उसको कुछ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद मांसाहारी में है कि उसको कितना ग्राम मांस मछली अंडा जो भी उसको दे रहे हैं तो 60 से 90 ग्राम, ठीक है। तो एक शाकाहारी व्यक्ति का भोजन कितना होना चाहिए और एक मांसाहारी व्यक्ति का भोजन कितने ग्राम हमको देना चाहिए। फिर इसके बाद है इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए निर्माणक और सुरक्षा दोनों ही प्रकार के तत्व वाले भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व बच्चों के संपर्क में आते हैं। रोग प्रतिरक्षा क्षमता की दृष्टि के लिए फल, सब्जी व दूध आदि अधिक देना चाहिए। अगर मान लीजिए एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, अगर उसको पूरा भरपूर भोजन अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसको फल और दूध अधिक देना चाहिए, जिससे उसके शरीर की सुरक्षा होती रहे और वह उसको कोई परेशानी भी न हो। इसके बाद हमने आप लोगों को यह चैप्टर आज इतना पढ़ा चुका हूँ। फिर इसके बाद अब अगला कल पढ़ाएंगे, ठीक है।